नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा। स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। वक्त हो गया है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करते हैं। ऊना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत, 12 गंभीर घायल। बाथूबाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री संचालक मौके से फरार। मुंह में हाथ लेकर जा रहे कुत्ते ने शव के पास पहुंचा ही दी पुलिस, हो गई शव की पहचान। 43 वर्षीय बुद्धराम के रूप में हुई खुंडीदार में मिले शव की पहचान, कई दिन पहले पत्नी ने करवाई थी गुमशुदगी की शिकायत। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए प्रस्थान करने लगे देवता, मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। गोहरकांडा सड़क पर जीप दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल। राणा क्रिकेट कप में जीतने वाली टीम को मिलेगा 5 लाख का इनाम, जोगिंद्रनगर में आयोजित होने वाले कप में प्रदेश के खिलाड़ी ही ले सकेंगे भाग। प्लॉट से वंचित 245 भाखड़ा विस्थापितों का इंतजार जल्द होगा खत्म, 256 बीघा सरकारी जमीन बसाव के लिए चिन्हित। दिव्यांग दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल सामान्य, मंडी में प्यार की अनूठी मिसाल दे रही ये जोड़ी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में सरकाघाट की बेटी ने जीते थे 2 सिल्वर, कई साल बीतने के बाद भी दिव्यांग बेटी को नहीं मिली कोई प्रोत्साहन राशि। करसोग में 4.5 बीघा भूमि पर हेलीपैड निर्माण की कवायद, पर्यटन की दृष्टि से भी हेलीपैड का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के लिए रवाना हुए बड़ा देव कमरूनाग, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 27 फरवरी तक करेंगे पैदल सफर। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, पड्डल मैदान पहुंचना शुरू हुए व्यापारी। हमीरपुर में रोजगार के लिए राहत भरी खबर, पशुपालन विभाग सुअर पालन के लिए शुरू करेगा 100 यूनिट। बंजार में पंजीकृत कामगारों के लिए जागरूकता शिविर, बांटे पहचान पत्र। जोगिंद्रनगर नगर परिषद की प्रेरणा ज्योति अध्यक्ष व प्यार चंद उपाध्यक्ष बने, अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुआ नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। बहुत जल्द सड़क सुविधा से जुड़ेगा शाउंगी कुंड गडारी बेस्टा शलाक क्षेत्र, 17 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। अर्की में नई शिक्षा नीति पर जागरूकता शिविर, 100 स्कूलों ने लिया भाग। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 8 बजे हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन।